नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि एल नाम वाले जातक एवं एम नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, आखिर वो बंधन कैसा रहेगा? दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एल नाम वाले जातक एवं एम नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता बहुत ज्यादा होती है। इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का आदर बहुत ज्यादा करते हैं। एवं इसके अलावा यदि एल नाम वालों की बात करें तो एल नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में बदलाव करना, परिवर्तन करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इसके अलावा इस नाम के जो जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा क्रोधी, बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं। छोटी मोटी बातों पर बहुत ज्यादा क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि एम नाम वालों की बात करें तो एम नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार, बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। वो कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट या धोखाधड़ी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एवं इस कारण से आप दोनों के बीच में जो बंधन बनता है वो बहुत ज्यादा मधुर, बहुत ज्यादा रोमांचक होता है। मित्रों, एल नाम वाले जातक एवं एम नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों, आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, यानी कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो मंदिर को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय शनि देव आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।